प्रिय छात्रों, गुड इवनिंग। मैं आपका एसएसटी का टीचर गौरव कुमार मिश्रा, केडीएसएस स्कूल से। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना नामक महामारी, जो कि पूरे भारत में, न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में फैल चुकी है। इस महामारी से पूरा विश्व आज लड़ रहा है। इस महामारी को कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, इस महामारी के चलते पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था एवं लोगों के जान माल की काफ़ी क्षति हुई है, जिससे सभी ऑफिस, सभी विद्यालय, सभी स्कूल कॉलेज सब बंद हैं। इसके चलते पठन पाठन के कार्य में अव्यवस्था हो गई है। इसको देखते हुए भारत सरकार ने एक नई शैक्षिक व्यवस्था अपनाने के बारे में स्कूल एवं कॉलेजों को निर्देश दिया है, जिसके अंतर्गत छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से बच्चों को पठन पाठन का कार्य संपादित किया जाए, जिससे बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज हमारे विद्यालय में के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य महोदय ने यह निर्णय लिया है कि केडीएसएस स्कूल के सभी छात्रों को ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा को मुहैया कराया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज सभी शिक्षकों की एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि जिन बच्चों के गार्जियन के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, व्हाट्सएप यूज करते हैं, वो अपना व्हाट्सएप नंबर स्कूल को प्रोवाइड कराएं, जिससे हम उन तक अपनी शिक्षा पहुंचा सकें। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपने व्हाट्सएप नंबर को विद्यालय को प्रोवाइड कराएं। सभी अध्यापक आपसे संपर्क करेंगे और आपसे मोबाइल नंबर, जिस नंबर पे वो आपका व्हाट्सएप चलता हो, वो नंबर आप प्रोवाइड कराएं। हम उसका एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, और उस टाइम टेबल के माध्यम से हम डेली आपको जो है दो तीन या चार क्लासेस डेली प्रोवाइड कराएंगे, और आपके पठन पाठन को सुचारू रूप से आगामी सत्र की जितने भी पाठ्यक्रम हैं सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप सब व्यवस्थित हो जाएं। कापी किताब तो प्रोवाइड नहीं हो पाएगा, कापी और कलम की व्यवस्था रखें। डेली एक टॉपिक लेकर शिक्षक आपको पढ़ाएंगे, उस टॉपिक का अर्थ बताएंगे, उस पैराग्राफ का अर्थ बताएंगे और प्रश्नोत्तर हल कराएंगे। इस कार्य में आप विद्यालय का सहयोग करें और अपनी शिक्षा को निरंतर आगे बढ़ाने में अपनी और विद्यालय की, दोनों की मदद करें। धन्यवाद।